हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्नविद दीदीमन। तो हम कर रहे थे एनसीईआरटी बुक, और एनसीईआरटी बुक जो है वो करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी बुक के जो है हर चैप्टर को, हर एक लाइन को जो है वो आपको समझना होगा। बिना इन बुक्स के आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर सकते हो। आप लोगों के तो सिलेबस में ही ये मेंशन किया होता है कि एनसीईआरटी बुक जो है वो 6 से 12 तक ही आप पढ़ें, चाहे आप यूट्यूब पर पढ़ें, चाहे आप बुक लेकर पढ़ें, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जो बुक में हर चीज़ जो है वहाँ से हमें कुछ ना कुछ सबक या सीख मिलती है। तो एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले एक कहानी होती है। कहानी क्यों होती है, यहाँ से आप लोगों को क्या सीखना है कि आप लोग जो है यदि कहीं इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है तो आप लोगों से कहा जाता है कि आप इस चीज़ के बारे में बताएं। तो सबसे पहले आप लोग उस चीज़ को डायरेक्ट ना बताकर कहानी उसकी समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप टीचर हो और टीचर का ये दायित्व बनता है कि वह चैप्टर को डायरेक्ट ना पढ़ाए बच्चों को, सबसे पहले उसको जो है कहानी के माध्यम से बताना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं उसको लिंक कर सकें उस चैप्टर से। तो ये चैप्टर में जैसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, लोहार की दुकान पर प्रभाकर, इसका मतलब क्या है कि लोहे के बारे में जो है हमें इस चैप्टर में बच्चों को समझाना है, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट ना पढ़ाकर आपको क्या बताना है कि एक लड़का प्रभाकर है, लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर जो है वो उसने भट्टी देखी जो कि जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग जो है वो लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। तो कैसे जो है वो लोहा बन रहा था, तो ये एक लड़का जो है वो प्रभाकर देख रहा था। तो बच्चों को हम कह सकते हैं कि जो है आपने जो है लोहा बनते हुए देखा है क्या, लोहे को बनाने के लिए जो है वो क्या करना पड़ता है, ठीक है, क्या आग भी जलानी पड़ती है। तो ये सबको जो है वो आप लोगों की मदद करता है। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं इंटरव्यू के दौरान तो उससे पहले आपको ऐसे कहानियाँ जो हैं वो बतानी होगी, इससे बहुत अच्छा ही इम्प्रेशन पड़ता है। तो चलिए अब हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोहे के बारे में, लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। अब ये लाइन जो है वो हम बहुत ही बार पढ़ चुके हैं कि लोहे का जो प्रयोग है वो कब से होना प्रारंभ हुआ, 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में हमने देखा था लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं, ठीक है। तो रिपीट है लाइन इसके बारे में जो हमने चैप्टर नंबर 4 में तो पढ़ा ही था। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। और इसे हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन किस तरीके से बढ़ गया था। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप नोट करेंगे, सब रिपीट है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, तो इसके लिए और भी क्या किया गया, लोहे का प्रयोग तो किया ही गया। तो सबसे पहले देखो सिंचाई। सिंचाई, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना तो मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई, रोपाई का मतलब क्या है, जहां पौधों को रोपा जाता है, ठीक है, पहले बीज के द्वारा किया जाता था ये काम, उसके बाद जो है जब रोपाई करने लग गए तो और भी अधिक जो है वो उत्पादन मिलने लग गया, और नए औजार यानी लोहे का प्रयोग, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कदम रहा। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो सूची जो है औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो, जैसे हसिया है, कुल्हाड़ी है, संडसी है। ये जो है बच्चों से पूछा जा रहा है कि बताओ बच्चों कि इसमें से जो है संडसी कौन सी है, तो ये संडसी है, ठीक है, और ये आप देख रहे हो ये हसिया है, और तीसरी चीज जो है वो क्या बोली है, कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी है। तो ऐसे जो है वो बच्चों से पूछना है। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको समझने को मिलेंगी। ऐसा ही नहीं है कि आप रिटर्न एग्ज़ाम में ही जो है वो आप इसको देखोगे। आप आरएएस तक का अगर आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको हर चीज़ को मेंशन करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चैप्टर को समझना है। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। तो ये कुछ जो है वो बच्चों के लिए है, ठीक है, इस को देखकर और इन बॉक्स को भरना है। चलो हमें यहाँ से देखना है गांव में कौन रहते थे। इस महाद्वीप के, उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम तीन तरह के लोग रहते थे। पहला
तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलल्ला कहा जाता था, साधारण हलवाओं को उड़वार कहा जाता था और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ेशियार और अदिमई कहलाते थे। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, देश के वो जो उत्तरी हिस्से थे वहाँ गांव का प्रधान व्यक्ति जो है वो ग्राम भोजक कहलाता था। तो अब ये आप लोगों के लिए इस चैप्टर में यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग नोट करें कि उपमहाद्वीप में जो है तीन तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में यानी कि आप दक्षिणी क्षेत्र देखेंगे, दक्षिणी हिस्सा, तो वहाँ पर जो है बड़े जो भूस्वामी होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो याद रखना है उनको बैल अल्ला कहा जाता था, साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था, उड़वार कहा जाता था, भूमिहीन मजदूर या दास जो है इनको क्या कहा जाता था, तो भूमिहीन मजदूर को कड़ेसियार और दास जो थे इनको अदमई कहा जाता था। वहीं पर उत्तरी जो हिस्सा था वहाँ गाँव का प्रधान व्यक्ति जो है क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। ठीक है, अब ये मिलान में भी प्रश्न पूछा जा सकता है या हो सकता है कि इसको जो है वन लाइनर में भी पूछ ले, ये आपको याद रखना है इस चैप्टर में। यानी कि ये पद जो है वो आनुवांशिक थे, यानी अभी हमने जो भी पद देखे हैं ये सब जो है वो कैसे थे, आनुवांशिक थे। पिता जो काम कर रहा है वही उसका बेटा करता था। ग्राम भोजक, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जो है वो भूस्वामी होता था, साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास या मजदूर काम करते थे और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ग्राम भोजक के पद पर जो गाँव का सबसे बड़ा कौन होता था, भूस्वामी, इसके क्या क्या काम होते थे। ठीक है, तो इसका जो काम होता था यहाँ पर जो दास और मजदूर, ठीक है, इन पर वो नियंत्रण रखता था। इसके अतिरिक्त जो है राजा इसको कर वसूलने का काम भी सौंप देते थे, कभी कभी ये न्यायाधीश का काम भी करता था, कभी कभी जो है ये पुलिस का काम भी करता था। तो इतने सारे काम होते थे, भूस्वामी यानी भूमि का ही स्वामी नहीं बल्कि कई कार्य जो है इसको सौंपे गए थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे, यानी इनकी जो है खुद की जमीन होती थी। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त तो कुछ ऐसे भी स्त्री पुरुष थे जिनके पास जो है अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें जो है दास आते थे, कर्मकार आते थे और ये दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। तो ध्यान रखना है स्वतंत्र कृषक, नाम से ही पता लग रहा है स्वतंत्र कृषक, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से खेती करते थे, इनके पास स्वयं की जमीन होती थी, और जो दास और कर्मकार होते थे ये लोग जो है दूसरे की जमीन पर काम करते थे। अधिकांश जो गाँव थे वहाँ लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो ये हम जो है गांव के बारे में जान रहे हैं कि उस समय जो है वो गांव किस प्रकार जो है वो बस रहे थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है, संगम साहित्य कहते हैं। और ये लाइन जो है वो कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछी गई है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाएं जो हैं इनको जो है इनकी रचना जो है कब की गई और इनको क्या कहा जाता है, तो संगम साहित्य कहते हैं और इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम क्यों कहते हैं, क्योंकि मदुरै दक्षिण भारत में है, मदुरै, मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है इनको संगम, संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के जो कवि थे इनके सम्मेलन में इनका जो है संकलन इनको रचित तो किया गया था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो ये बॉक्स में लिखी हुई जो लाइन है ये भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमने गांव के बारे में पढ़ लिया है, नेक्स्ट पढ़ना है हमें उस समय के नगर। क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्कुओं ने इनका संकलन किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे जो है वो नदी धनी जो है वो बन जाता है। तो ये एक जो है कहानी है, फटाफट से मैं आपको सुना देती हूँ, एक निर्धन की चतुराई, यानी कि ये क्या है, ये कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं जिसमें से एक कथा का वर्णन जो है वो आपको सुनाया जा रहा है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था, उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली उसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा, अगर लड़की
लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। तो माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उनको एक एक मिठाई मिलेगी। तो बच्चे भी मान गए। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा, तो उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इसी तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई कि एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। तो ये गरीब था और देखो कितना काम इसने किया, फिर ये बना धनी। खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब तुम्हें तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, अब तो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। तो यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों को के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो, अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। तो उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक से जो है घास 1,000 सिक्के में खरीद ली। तो इस तरीके से देखो आप, एक जो गरीब था उसने अपनी चतुराई से जो है वो किस तरीके से पैसा कमाया और वो एक धनी व्यक्ति बन गया। तो ये जातक कथाएं हैं जो कि आम जो जनता थी उसमें प्रचलित थी उस समय। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिल्ली में जो है मिला एक वलय कूप। नीचे सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची जो है मध्य प्रदेश में इसके बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी हुई हैं या फिर लकड़ी की या पत्थर की, क्या इसकी रेलिंग जो है वो लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। तो यहाँ पर देखो सांची की जो मूर्तिकला है उसका एक नमूना दिखाया गया है। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि जो है हमने चैप्टर में पढ़ा था, इनमें से कुछ शहर जो है परकोटे से घिरे हुए थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में जो है क्या होते थे, वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए ही प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलय कूप जो है लोगों के घरों में होते थे। तो वलय कूप अभी हमने देखा था। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या छप्परों से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। भविष्य में पुरातत्व जो है इनकी खोज कर सकते हैं, पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों, यात्रियों के विवरणों से पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 में जो है वो भरूच गुजरात में पड़ता है, इसको ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। तो यहाँ देखिए, आप लोगों के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, बस आपको ध्यान में रखना है कि भरूच जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए, भरूच का जो यूरानी नाम क्या है, बैरी गाजा। इसकी भी एक कहानी है। बैरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही जहां जहाज ला सकते थे। बैरी गाजा में है शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्कों का आयात तो होता था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नीलियर, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ जो है वो वैरी गाजा से आयात होती थी, कौन सी निर्यात होती थी, ये आपको ध्यान में रखना है। राजा के लिए व्यापारी जो है विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक है, तो आपको वैरी गाजा से जो आयात और निर्यात होने वाली जो चीज़ें हैं उनको आपको जो है नोट करना है। जो भी मैं नोट करने को बोलती हूँ वो तो आपको नोट करना ही है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम सिक्कों के बारे में।
पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का जो है मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने जो हैं वो आहा सिक्के थे, जिनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, जो करीब 500 सालों तक चले। ध्यान रखना है, आहा सिक्के जो हैं वो लगभग 500 सालों तक चले, जिसका चित्र जो है नीचे दिया गया है। ये जो है चांदी और तांबे के बने होते थे, ठीक है, और इनको पीट पीट कर बनाया जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चांदी और तांबे के बने हुए हैं, इनको पीट पीट कर जो है इनको इस तरीके से कोई आकार जो है दे दिया जाता था, और फिर इससे जो है वो व्यापार होता था। आहत सिक्के जो हैं सामान्यतः कैसे होते थे? आयताकार होते थे, कभी कभी जो है वो वर्गाकार होते थे या गोल भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह जो है वो ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। और ये सिक्के जो हैं उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं, और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। तो आहत सिक्के जो हैं चांदी तांबे के बनाए गए, और लगभग 500 सालों तक जो है इनका प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखिए, नगर। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मथुरा के बारे में। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। क्यों रहा? तो यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यानी ये व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा मथुरा, और धार्मिक दृष्टि से तो था ही। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा जो है वो बेहतरीन मूर्ति बनाने का भी केंद्र था, और लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो दो लाइनें आप इम्पोर्टेंट करिएगा बस यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में। एक तो कि मथुरा जो है व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा, धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा, और लगभग 2000 साल पहले जो है वो मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा, जहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी थे, ठीक है। अब ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कई जो है स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मथुरा में केवल हिंदू देवी देवता जो हैं, इसी की वजह से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है बौद्ध विहार, जैन मंदिर ये भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। मथुरा में प्रस्तर खंडों या मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। प्रस्तर यानी कि पत्थर के जो खंड हैं उन पर, और जो मूर्तियां हैं इन पर अनेक अभिलेख मिलते हैं, कुछ ना कुछ इन पर लिखा रहता है। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों या पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यानी कोई भी जो है वो प्रस्तर है, खंड है, कोई कोई मूर्ति है, किसी ने दान दिया, ठीक है, धनी व्यक्ति ने, तो उस पर जो है वो अपना नाम वगैरह ये सब कुछ लिखवा दिया कि इस व्यक्ति ने जो है इस मठ को ये दान दिया है, इस मंदिर को ये दान दिया है। प्राय शहर के राजा रानी अधिकारी व्यापारी शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो उस समय ये जो है वो समझिए ये पैसे वाले लोग थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे? दान करते थे मठों को बनाने के लिए, मंदिरों को बनवाने के लिए, तो अपना जो है वो नाम अंकित करवाते थे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम अभ्यास प्रश्न भी करेंगे हमेशा की तरह, तो आप इसको जो है वो पढ़िएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।